कुरान उठाते और दूसरी दफा कुरान उठाते उनके पीछे चलते हो, जेकेएलएफ के पीछे हो, आजादी का परचम थामो, आजादी मिलेगी तो फिर ये टोटी भी खत्म का टुकड़ा है आजाद कश्मीर। 63 साल के अंदर यहाँ बजट जो खर्च होता रहा वो टूट गया। कौन सी रोडें हमारी आज सलामत है, कौन से पुल सलामत है, कौन से स्कूल है आपके पास, सब प्राइवेट स्कूल, सब तालीम जो है वो पैसों से खरीद रहे हो, सब सरकार प्राइवेट अस्पताल, सब सेहत जो है वो पैसों से खरीद रहे हो, तमाम अदारे प्राइवेट हो चुके हैं, सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, आपकी पुलिस बेकार है, आपका अस्पताल बेकार है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन बेकार है, हर तरफ करप्शन है और इसकी वजह यह है कि आपके लीडर करप्ट है। अल्लाह तला का वाजिया हुक्म है कि तुम पर वैसे ही हुक्मरान मुसलत किए जाएंगे जैसे तुम होगे। अगर आप जहनी तौर पर करप्ट हो गए तो इसी तरह के चोर लुटेरे उचक्के डाकू चैन और गंवार जो है वो आपके आपके हुक्मरान आपके वजीर और आपके मशीर होंगे। आइए 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 जो ये जेकेएलएफ का जो ये तीन रंग का परचम है इसको थामिए, इसके पीछे चलिए, आजादी के पीछे चलिए, आजादी के पीछे चलिए। आज का धरना आपने कामयाब बनाया, आप यहाँ पर आए, आप यहाँ पर बैठे, दुनिया को ये मैसेज दिया। ये जरूरी नहीं है कि हम इनके साथ पुलिस वालों के साथ लड़े, यहाँ पर अपने बंदे मरवाए, जरूरी नहीं है ये कि इस तरह से छूटेगी, ये एक जदोजहद है, इसको मुनज्जम करके चलना पड़ेगा। वो दोस्त जो जज्बाती है उनको ये समझना चाहिए कि मुनज्जम होकर आगे बढ़ोगे तो जीतोगे, अगर मुनज्जम होकर आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर मार पड़ेगी और शिकस्त मिलेगी। ये तारीख का सबक है, इसीलिए तंजीमें बनती हैं, इसीलिए पार्टियां होती हैं, वो पार्टियां आवाम की क्यादत करती हैं। जेकेएलएफ इस रियासत के अंदर आवाम के शऊर का, आवाम की क्यादत का जो है वो फरीजा सर अंजाम दे रहा है, उनके शाना बशाना चल रहा है। हमारे लीडर आम लोग हैं, हमारे कैदीर आम लोग हैं, कोई बड़ी गाड़ी वाला नहीं है, कोई बड़े बंगले वाला नहीं है, कोई बड़े बैंक बैलेंस वाला नहीं है, वो आम लोग हैं। ये आम लोगों की जमात है, ये मजदूर और मेहनत कशों की जमात है, इसको मुनज्जम करें, बाहर निकलें। आपने देखा कि जब आम लोग बाहर निकलते हैं सड़कों के अंदर तो मुशर्रफ जैसे बड़े आमर को भी भागते हुए इंग्लैंड से पीछे जगह नहीं मिलती है, वो भी फिर इंग्लैंड जाके रुकता है। ये आम लोगों की वो है, लेकिन अगर आप इनके पीछे चलते रहेंगे तो फिर आजादी भी दूर है, फिर खुशहाली भी दूर है, फिर एक बेहतर मुआशरा भी दूर है। 25 को हमारा धरना 33 नोट के ऊपर, 27 को हमारा धरना है 33 नोट के ऊपर, एक माहौल आजाद कश्मीर में भी मकबूजा कश्मीर की तरह बनाकर पूरी दुनिया पर यह वाजिया करना है कि कश्मीरी आजादी चाहते हैं, कश्मीरियों की डिमांड बड़ी वाजे है, हिंदुस्तान यहां से निकले, पाकिस्तान यहां से निकले, हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं, किसी आवाम के खिलाफ नहीं, हम अपनी आजादी के हाथ में हैं। ये दोनों मुल्क यहां से निकलेंगे, फैसला हमने करना है कि हमें किसके, हमारे मुस्तकबिल क्या है, हमें किसके साथ जाना है। बहुत टाइम लिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ा शुक्रिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के मरकजी चीफ ऑर्गेनाइजर डॉक्टर साजिद सदीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वहां अपने खिलाफ का इजहार करें। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे गुलाम देश के गुलाम वासियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह व बरकातहु। आपने सुबह से लेकर इस वक्त तक बैठे हैं, मेरे पास चेयरमैन साहब बात करेंगे थोड़ी सी, तो जो आधा घंटा आपका और लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। कारी नसीर साहब ने यहां बात की, चेयरमैन साहब बात करेंगे, हम यहां क्यों आए, हमने क्यों धरना दिया है। कारी साहब ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की बात की, पीपल्स पार्टी की बात की, जमात इस्लामी की बात की, क्या मैं वुकला के पास क्या, मैं वेलफेयर सोसाइटी के पास क्या, मैं यहां के साफियों के पास क्या, और सारे लोगों ने, यकीन कीजिए, खुदा की कसम उठा के आपसे कहता हूं कि पूरे खुरट्टा के तमाम पार्टीज ने, तमाम लोगों ने, अंजमन ताजरा ने, यहां के रहने वाले वासियों ने यह कहा कि साजिद सदीकी साहब, हमारी ब्रदरियां एक तरफ, हमारे मिसाल एक तरफ, हमारी मजबूरियां एक तरफ, हमारी सियासी पार्टियां एक तरफ, जेकेएलएफ की कॉल पे आप क्या मांगते हैं, जान मांगते हैं, जान देंगे, खून मांगते हैं, खून देंगे, पैसा मांगते हैं, पैसा देंगे। आप बताए जेकेएलएफ कश्मीरी कौम की आजादी के लिए क्या डिमांड करती है। और फिर आज आपने अमलन साबित किया कि आप पार्टियों से बढ़ातर होकर सबसे पहले आप और हम सब कश्मीरी हैं। सबसे बुनियादी मसला हमारी आजादी का मसला है, इसके बाद हमारी पार्टियां, इसके बाद हमारी बरादरियां, उसके बाद हमारे इलाकाई मफादात एक तरफ है। कारी साहब, ये जो लोग हैं, ये जो कौम है, ये आपकी जेकेएलएफ की कैदत के पीछे खड़ी है, कंट्रोल तोड़ने की कॉल देंगे, इसका पौतरे
काम करो, हम जान देने के लिए तैयार हैं। और जनाब सगीर साहब, चौधरी मारूफ साहब यहाँ मौजूद नहीं है, उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। उन्होंने कहा खाना पूरे लोगों को हम देंगे, आप फिक्र नहीं करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मौलवी साजिद साहब यहाँ मौजूद है, वादे मेरे साथ किए थे आपने, जो वादे खुयरत्ता के जेकेएलएफ के लोगों के साथ किए थे आपने, वो पूरे किए। मैं आपकी सुफा पर आपसे ये कहता हूँ, जेकेएलएफ के एक जिम्मेदार होने की हैसियत से ये कहता हूँ कि लोगों, सारी क्यादत बिक सकती है, आर पार की क्यादत बिक सकती है, सारे लोग इस तारीख पर कम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको ये यकीन दिलाता हूँ, ये 80,000 से ज्यादा शोदा की अमीन पार्टी है, जिसकी क्यादत अमानुल्लाह खान जैसे 80 साल पूर्व के हाथ में है, जो आज भी तारीख के लिए 24 घंटे काम करते हैं अमानुल्लाह खान। इस तारीख की क्यादत सरदार सुवीर अलूकेर के एक नौजवान के हाथ में अमानुल्लाह खान ने दी है, जो दिन रात आपकी तारीख के लिए अपने आप को वक्फ किया है। हम किसी सूरत में इस तारीख के लिए कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, लोगों हम बिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, आखिरी गोली तक, आखिरी कश्मीरी तक, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जब तक एक गैर मुल्की फौजी मौजूद है, एक इंच जमीन दुश्मन के कब्जे के अंदर है, जेकेएलएफ अपनी जदोजहद को तक नहीं करेगा, मंजिल मकसूद तक इंशाल्लाह ताला आपको लेके जाएंगे, ये आपसे वादा है। लोकल चत्तर के बहुत से लोग मौजूद हैं, चिंजोर बहादुर के लोग मौजूद हैं, जनाब अंजुमन ताजना चत्तर के सदर मौजूद हैं, बात करना चाहते थे, टाइम ना दे सके, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपके और चेयरमैन जेकेएलएफ के दरमियान यहाँ मौजूद हैं बहुत सारे लोग, हमारे रहनुमा जनाब रफीक साहब बरतानिया से आए हुए हैं, यहाँ बैठे हैं, वो एक एक पैसा जमा करके बरतानिया से वो आपकी तारीख के लिए भेजते हैं। इकबाल साहब बरतानिया से आए हैं, नैब के सरदार न्याज साहब, शराब कश्मीरी साहब, कामरेड तैफूर साहब, दीगर तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग यहाँ मौजूद हैं, सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपके और चेयरमैन के दरमियान ज्यादा देर हाल लेना चाहता, बट साहब से मर्द के साथ टाइम बहुत मुख्तसर है, आपके भरपूर नारों में, भरपूर तालियों में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन जनाब सरदार मोहम्मद सगीर एडवोकेट तशरीफ लाते हैं, नारा कश्मीर, नारा मकबूल, कश्मीर बनाकर अपनी नाते तोड़ दो, गैर मुल्की फौजियों, तकसीम का जो यार है उस पर है, तकसीम करो जो, तकसीम करो जो, तस्लीम करो जो, हिम्मत करो जो। जनाब सरदार सगीर एडवोकेट साहब, अदखल के वजीनात अर्शे वारिजा नफ्से व मिदाद कालिमाते, आज की इस तकरीब की सदारत करने वाले मेरे अजीज मेरे भाई जनाब सरफाज कटारिया साहेब, इंतहाई वाजिब एहतराम बुजुर्गो, नौजवान भाइयों, दोस्तों और अजीजों, मुझे पहले मेरे अहबाब ने और उससे भी उनसे आप आगाह हो चले, मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें हो चुकी उनका इरादा ना हो, लेकिन जो बात बहुत उसके साथ समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है, बुनियादी तौर पे आज हम जो इकट्ठे हुए हैं वो बहुत सारे लोगों को जो ना समझी का शिकार है पिछले 63 साल से, रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर भी और रियासत जम्मू कश्मीर के बाहर भी, उनको समझाने के लिए उन तक यहां के मासूम माकूम आवाम की जो हक को सच की बात है वो पहुंचाने के लिए हमने आज के धरने का ऐलान किया,
हमने 25 वाले टिफिन और क्रॉसिंग पॉइंट के धरने का ऐलान किया, हमने 27 को मुजफ्फराबाद चिकोटी के मकाम पर जारी धरने का ऐलान किया। इन धरनों का जो बुनियादी मकसद था, बुनियादी मकसद है वो ये कि एक साजिश के तहत, बहुत ही मुनज्जम और गहरी साजिश के तहत पिछले 4-6 साल से बिलखसूस जनरल मुशर्रफ साहब का जो शर्मनाक दौर था पाकिस्तान में, उसमें लोगों के अंदर बेहिसी पैदा करने की, लातलकी पैदा करने की, जम्मू कश्मीर के मसला से, जम्मू कश्मीर के लोगों की आजादी के मसला से एक साजिश के ताने बाने बुने गए और वो साजिश इस कदर तवाना और ताकतवर हो गई कि आज वादी कश्मीर में मासूमों के खून से होली खेली जाती है, बहनों के आंचल तार तार किए जाते हैं, बुजुर्गों के बढ़ापे का मज़ा। पिछले 4 माह से अमलन कर्फ्यू है और वो एक मक्तलगा बना हुआ है। पूरा रियासत जम्मू बका की और आजादी की बात जब कोई करता ही नहीं और जब कोई करने बाहर आता है उसकी आवाज पे आज के दिन से पहले की बात कर रहा हूं मैं, आज लोगों ने गैरत का मजहरा भी किया, आज लोगों ने जुरत का मजहरा भी किया। अहले कोटरी ने और बिलखसूस वादी बिना के जो लोग हैं उन्होंने उस जमूत को तोड़ने में पहला पत्थर फेंका है, जिस जमूत को तोड़ने के लिए आज की काल दी गई थी कि उस बेहिसी को, उस लातलकी को और उस बेगानगी का जो एहसास है, जो कामों के लिए जो है, कामों के लिए तबाही बर्बादी गुलामी और जिल्लत का बायस बन पाए, हमने उस जमूत को तोड़ने के लिए आज की काल दी थी। हमने आज की काल, आज का ये धरना भारतीय मकबूजा कश्मीर में उन्हें वाले जो मजालम में भारतीय परिंदा काबा जफ्फात के हाथों वहां के मासूमों पर हमने उनको बेनकाब करने के लिए आज की काल दी थी। हमने आज की काल उन मासूमों बागारतों के साथ जो भारतीय मकबूजा कश्मीर में पिछले 22 साल से बरसरे पैकार है, हजारे यकजहती के लिए दी थी और अहले बर्बादी बिना के लोगों, आज आपने उस यकजहती का इजहार किया है। इसके लिए यकीनन आप सारे वादी बिना के सारे लोग जैसे साजद सदीकी ने कहा, पार्टियां नजरिए ये सब हमारी कश्मीरियत के अंदर आते हैं, हमारी गैरत के अंदर आते हैं। हमारी गैरत एक है, हमारी शनाख्त एक है, हमारी पहचान एक है और वो गैरत वो शनाख्त रियासत जम्मू कश्मीर की आजादी है। आज की इस काल का जो तीसरा मकसद था वो जो सोया हुआ आलमी जमीन है, जो मासूमों और मकरूम मकूमों के हक में नहीं बोलता, जो जालम का साथ दे रहा है, और सोए हुए आलमी जमीन को मीडिया के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए उस सोए हुए जमीन को जगाने के लिए हमने दस्तक देनी थी। और अहले वादी बिना के लोगों, ये एजाज अल्लाह ने, ये इफ्तखार अल्लाह ने आपके नाम रखा कि वो आज मायूसी और बदली के इस वक्त में वो दस्तक देने का अख्तियार, वो हक आपका हक बना और आपने वो दस्तक दी। इस काल का जो चौथा मकसद है, इस धरने का जो चौथा और बड़ा मकसद है, वो मकसद ये है कि उस बेगैरती और बेजमीरी को, उस मसलक पसंदी को हमने आपने मिलकर अपने पांव तले रूंढना है, जो आजाद कश्मीर और जम्मू कश्मीर के नाम नहत सो कॉल्ड मुसल्लत करदा, भारत और पाकिस्तान के हाथों कश्मीरियों पर मुसल्लत करदा, जमीर पोश लीडरशिप जिस मसलत और बेगारती का मजहरा कर रही है आपने।